हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। सिर दर्द होना बहुत आम बात है और ये किसी को भी हो सकता है। ज्यादातर सिर दर्द हमेशा उन लोगों को होता है जो लोग ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरते हैं। अगर आप भी अपने सिर दर्द से परेशान हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस पैकेज में हम यही बताएंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे मोटे बदलाव कर कैसे अपने सिर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, और हम आपको सिर दर्द से निजात पाने के कुछ घरेलू उपाय भी बताएंगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी बॉडी अगले दिन के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाती है, और जिस वजह से थकान, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होना और सिर में दर्द होने लगता है। नींद ना पूरी लेने के कारण आपको पूरे दिन भर सुस्ती आती रहती है और बीच बीच में झपकी भी आती रहती है, तो इन सब से बचने के लिए अपनी नींद पूरी लें। सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण हो सकता है स्ट्रेस और डिप्रेशन का होना, जो कोई भी काम पूरा ना होने के कारण होता है। अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर इन चीजों का शिकार होते हैं तो आपको अपनी आदतों में चेंजेस करने पड़ेंगे। आप किस तरह का खाना खाते हैं वो भी बहुत मैटर करता है बॉडी पर। अगर आप ज्यादातर मसालेदार चीजें खाना पसंद करते हैं तो आप किसी भी बीमारी का शिकार जल्दी हो सकते हैं, और ऐसे में सिर का दर्द होना भी बहुत आम बात है। ज्यादा पानी ना पीने की वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है। होता यूँ है कि जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं वो लोग औरों के मुकाबले ज्यादा फिट और फाइन रहते हैं। ज्यादा पानी पीने से आपकी बॉडी की सभी गंदगी दूर हो जाती है। दोस्तों, सिर दर्द को भगाने के लिए आप एक्सरसाइज और योगा भी कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और योगा से आपको जरूर फायदा मिलेगा। एक्सरसाइज और योगा के साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन का ज्यादा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। मेडिटेशन से आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और सिर दर्द जैसी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आसपास का इलाका शांत और शोरगुल से मुक्त होना चाहिए। सिर दर्द को दूर भगाने के लिए हेड मसाज भी एक बेस्ट ऑप्शन है। जब आप हेड मसाज करवाते हैं तो आपके सिर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से चलने लगता है, जिससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। जब भी आपको बहुत ज्यादा सिर दर्द की तकलीफ हो तो किसी न किसी से हेड मसाज जरूर करवा कर देखिए। तो फ्रेंड्स, ट्राई करें इन सारी टिप्स को और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए ये कितनी कारगर रही। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। थैंक यू।